सो भाई आपके कुछ फैंस के बहुत सारे सवाल हैं, तो उनके जवाब आपने देने हैं, तो चालू हो जाऊं मैं? बिल्कुल स्टार्ट। अच्छा भैया अवि शर्मा, इनका सवाल है, इतना चूतिया पर क्यों बनाते हो भाई? सच बताऊंगा नहीं, अवि शर्मा इतना चूतिया पर क्यों बनाता है भाई? हेलो अवि भाई, थैंक यू सो मच। और भाई बनाना पड़ता है, अच्छा लगता है लोगों को, तुम्हें नहीं लगता तो सॉरी भाई, पर करना तुम भी पसंद करना शुरू कर दो। संचित सौरभ, इन भाई का सवाल है कि अमित भाई बड़ी मस्त वीडियो बनाते हो, कभी लाइव भी आओ अपने चैनल पे यार, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू भाई, संचित नाम है भाई का। संचित भाई थैंक यू सो मच। संचित भाई मैं लाइव आ रहा हूँ, 1 मिलियन सब्सक्राइबर होते ही मैं लाइव आ रहा हूँ, पक्की बात है, और आज आपको बोल दिया तो बोल दिया। एक भाई ये है R3 राहुल लिरिक्स, ये भाई का नाम है कि अमित भाई सोशल इश्यूज पर वीडियो बनाओ, लोगों को अच्छा संदेश दो, ऐसी बकचोदी मत करो, कैरी और बीबी है ये करने के लिए। तो भाई सोशल इश्यू पे भी बनाई है भाई इसने, शायद ब्लाइंड वाली मेरी वीडियो नहीं देखी होगी भाई ने, लिरिसिस्ट भाई ने शायद मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी होगी। और अभी मैंने रिसेंटली में भी बनाई है स्वे नो टू ड्रग्स, जो लोगों को बहुत पसंद आई थी, अच्छी लगी थी कि यहाँ पे ड्रग्स के ऊपर, उसमें मैंने सिंपल मैसेज दिया था कि अगर आप ड्रग्स कर रहे हो ना तो एक ऑटो वाला भी पकड़ सकता है आपको, मतलब आप ये सोच रहे हो घर में ड्रग्स करूंगा और मैं बाहर घूम लूंगा तो नहीं, ऐसे करके एक ऑटो वाला भी आपको पकड़ सकता है, एज सिंपल एज ये है। और भाई जो आपने कहा है कि बीबी और कैरी की जो भी आपने बोला है बकचोदी बोली है भाई, उनकी तो मुझे भी पसंद है, दोनों की अच्छी बनाते हैं भाई, मुझे भी पसंद है भाई, सबको पसंद है, कैरी मिनाटी बीबी की वाइंस अच्छे हैं। ठीक है भाई, ये चौथा सवाल है तरुण जैनवाल का, इनका कहना कि अमित भाई आई लव योर वीडियोस, ये बताइए आप फ्यूचर में किसके साथ कोलैबोरेट करेंगे? तरुण भाई, हेलो तरुण भाई, कैसे हो पहली बात तो, और दूसरी बात भाई थैंक यू सो मच, लव यू टू। और भाई कोलैब का कुछ ऐसा है कि अगर आप मुझे ही अकेले देखना पसंद करते हो तो मैं अकेले वीडियोस लाता रहूंगा, बाकी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे पास आएगी जो मुझे लगेगा कि हाँ अच्छा करना है तो मैं भाई जरूर कोलैब करूंगा, बाकी तो सारे वाइनर्स ही मेरे फेवरेट है, सभी अपनी जगह काम करें भाई, पसंद ना पसंद कुछ नहीं है, दिक्कत ये है कि मेहनत सभी कर रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं वीडियो अच्छी नहीं है, लेकिन किसी को ज्यादा नहीं कहना कि यार ये तो, जैसे भाई वो बोल रहा था कि ये क्या चूतिया पाया है, ये बकचोदी, ऐसे वर्ड अच्छे नहीं लगते यार, हमारी मेहनत रहती है 3-3, 4-4 दिन की। ठीक है भाई, निखिल सेठी, इनका सवाल है कि आई हैव सम न्यू आइडियाज, वुड अमित लाइक टू कोलैबोरेट, इफ यस देन ही कैन टेक्स्ट मी। ओके भाई, भाई का जरा मुझे वो दे दो मेल वगैरह जो भी है भाई का, मैं भाई को टेक्स्ट करता हूँ, एक बार मिलते हैं फिर भाई से बात करते हैं, निखिल भाई से। ठीक है भाई, ओके। सूरज यादव, पहली वीडियो पर कितने व्यूज आए थे एंड उनका रिएक्शन क्या था, एंड भाई को कोई गर्लफ्रेंड है क्या? भाई सबसे पहली बात, पहली वीडियो थी तेरे भाई ने कर दिया जिम शुरू, शायद वो आज तो 4-5 मिलियन पर है, लेकिन उस टाइम पर वो चल गई थी सही, ठीक ठाक, मतलब बढ़िया लाइक्स व्यूज बढ़िया आ गए थे, तो शायद उस पर आए थे, स्टार्टिंग में आए थे 1-2 लाख व्यूज आए थे 2-3 दिन के अंदर, मैं बड़ा खुश हो गया था, अरे भाई रे ये तो 1,100K लिखा आ गया, तो मजे आ गए थे। और बात है भाई गर्लफ्रेंड की, तो भाई काम ही है अभी तो, अपने काम पर ही ध्यान है, यही गर्लफ्रेंड है। ठीक है भाई, मुकुल गोला का सवाल है कि भाई इतना हाथ क्यों हिलाते हो वीडियो में? भाई इतना हाथ इसलिए हिलाता हूँ वीडियो में क्योंकि लोगों को अच्छा लगता है। ठीक है, ओवी रॉय, इनका सवाल है आपका एक्सेंट सिर्फ वीडियो में ही ऐसा है या रियलिटी में भी आप ऐसे हो? जो मेरा एक्सेंट है वो बदल जाता है टाइम के अकॉर्डिंग, घर में वही है, घर में सेम वही है और बदल जाता है, लेकिन हाँ ये भी है कि अब यार किसी से मिलने जा रहे हैं वो कॉलेज का प्रिंसिपल है तो उससे जाकर कहेंगे वीडियो की तरह थोड़ी कहेंगे और का हाल है तेरे, नहीं हो सकता ऐसा, तो उनसे थोड़ा पोलाइटली बात करनी पड़ती है, बाकी राज भाई से मिले हैं और दोस्तों से तो उसी भाषा में चलता है और कहाँ चल रहा कहाँ चल रहा घूमने, सही बात है। ठीक है, तो की रॉक्स का सवाल है, अमित भाई का फेवरेट इंडियन रैपर कौन सा है? क्या नाम है भाई का? तो की रॉक्स भाई हाय, और भाई मेरा फेवरेट रैपर तो भाई मैं इनको ज़्यादा सुनता हूँ, मतलब फेवरेट तो मेरे यो हनी सिंह है और रफ्तार पाजी और बादशाह पाजी। ठीक है भाई, इन तीनों को मैं सुनता हूँ ज़्यादा और तीनों के ही बेस्ट होते हैं गाने। ठीक है भाई, गोविंद मुदगल का सवाल है, क्या अमित बडाना कोई सॉन्ग अपने व्यूअर्स को डेडिकेट करेंगे? हाँ भाई बिल्कुल करूंगा कब? वो वाला अभी कर देता हूँ, तो 10 लाख सब्सक्राइबर्स होंगे तो? नहीं नहीं अभी कर देता हूँ, वो वाला गाना है ना, मेरी जिंदगी सवारी तुमने गले लगा के, हाँ। वो वाला गाना है ना, बैठा दिया मेरी जिंदगी सवारी तुम्हारे जैसा यार कहाँ, तेरे जैसा तेरे जैसा मतलब तेरे जैसा है तो मैं तो, ये तो बहुत सारे है ना, तुम्हारा कह देते हैं,
तुम्हारे जैसा यार कहाँ, मतलब इनके लिए तो हमेशा यही गाना रहेगा, तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा यार आना। ठीक है भैया, क्रिश वर्मा का सवाल है कि बॉलीवुड में आने का कोई प्लान है? वैसे आपकी बातचीत चल रही है, सुना मैंने ऐसा। तो अभी तो मैं अंडर कॉन्ट्रैक्ट हूँ, अभी तो मैं कुछ नहीं बोल सकता है सच। एक बहुत बड़े डायरेक्टर है, बातचीत चल रही है, बट अभी ऐसा सच अभी कुछ नहीं बोलूंगा, पर बातचीत चल रही है, आने का पूरा प्लान है। मुझे पता है, मैं बाद में बता दूंगा। रोहित रावत, इनका सवाल है भाई, बीबी की वाइंस एंड कैरी मिनाटी के साथ कब कोलैबोरेट करोगे? भाई बीबी की वाइंस, कैरी मिनाटी, आपने मेरे इंटरव्यूज भी देखे हैं तो मेरे फेवरेट है बीबी की वाइंस, कैरी मिनाटी, बी यूनिक, ये मेरे फेवरेट है। इन तीनों की वीडियोज मैं बहुत देखता हूँ। बीबी की वाइंस के साथ तो मुझे लगता नहीं कोलैबोरेट होगा, क्योंकि वो अकेले वीडियोज बनाते हैं, सारे रोल अकेले कर लेते हैं, इतने ज़्यादा टैलेंटेड है। और जो कैरी भाई हैं वो तो इतना ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें कर लेते हैं, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। वो बात है यूनिक भाई की, वो भी अपनी फील्ड में अपना बहुत ही बेटर कर रहे हैं, तो मुझे तो लगता नहीं है मेरा ऐसा सीन है। लेकिन अगर वो कभी मुझे कहेंगे कि आना है, मिलना है, कुछ करना है, तो काम जरूर करेंगे। लेकिन मुझे अपनी तरफ से खुद कुछ नहीं लगता, क्योंकि वो खुद अपने आप में जब इतनी सारी चीज़ें कर, अब जब आप राज जोन्स भाई खुद आप इतना अच्छा इंटरव्यू कर लेते हो, तो आप क्यों अपने साथ एक और बंदा रखोगे? बात तो सोलह ने सही बोली भाई। ठीक है भाई, ठीक है भाई, सारा सवाल खत्म भाई, थैंक्स अलॉट भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू भाई।